अगर हम बात करते हैं अरिथमेटिक मीन की, अरिथमेटिक मीन इसका मतलब होता है कि दो नंबर्स के लिए ऐसा टर्म इन बिटवीन जिससे ये कंटेंट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए। मान लो कि अगर ये x है तो b माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, बी प्लस ए इज इक्वल टू टू एक्स, बी प्लस ए अपॉन टू इज इक्वल टू एक्स। तो बी प्लस ए अपॉन टू देखने में एवरेज भी लगता है कि सम ऑफ टू ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और अरिथमेटिक मीन में जो मीन शब्द है उसका मतलब भी एवरेज आता है। फिर भी इन दोनों बातों को एक साथ ना समझे, आप ये समझ के चले कि ये शब्द जिस तरीके से चल रहा है अरिथमेटिक मीन्स, इसका मतलब ये है कि दो नंबर्स के बीच में आने वाला वो नंबर जिससे पूरा का पूरा कंटेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तब्दील हो जाए। इसीलिए अगर सिर्फ दो नंबर के बीच में एक अरिथमेटिक मीन निकालना होता है तब तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं ए प्लस बी बाई टू। लेकिन अगर सवाल ऐसे आ जाए कि सेवन टेन सॉरी सेवन ऐसे करते 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 सेवेंटी कह रहा इंसर्ट टेन ए एम्स या एट ए एम्स इन बिटवीन देम, तो उस टाइम पे मतलब होगा कि ए एम फर्स्ट ए एम सेकेंड ए एम फोर्थ ए एम फिफ्थ ए एम सिक्स ए एम सेवन ए एम एट, इस प्रकार कि पूरा कंटेंट एक में दिख जाए। अरिथमेटिक शब्द से यहां से हम मोटिवेटेड हैं, तो ये करना बड़ा आसान हो जाता है कि ए की वैल्यू सेवन हो गई, आठ ये है, नौवां ये और तो दसवां ये, तो टेंथ टर्म आपकी सेवेंटी आ जाती है, जिसे ए प्लस नाइन डी सेवेंटी कहते हैं। सेवन से नाइन डी के इम्पैक्ट में सेवेंटी आने का मतलब है डी की वैल्यू का सेवन आना, तो डी सेवन आ गया तो फिर साथ साथ से इजाफा करते चले जाएंगे। तो अर्थमैटिक मीन ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही अर्थमैटिक मीन होता है, अर्थमैटिक मीन मल्टीपल हो सकता है। थॉट प्रोसेस ये है कि दो नंबर के बीच में जितने भी अर्थमैटिक मीन डालने डालो, लेकिन उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो रिजल्टेंट है वो अर्थमैटिक प्रोग्रेशन आ जाए।